नाज़रीन, आज उज़्मा बुखारी और इमरान खान की शेर में शदीद लड़ाई हो गई और उसने बड़ी खरी खरी सुना दी और मोबाइल पे क्या दिखाया, आइए पहले वीडियो देखते हैं और फिर उस पर डिटेल में बात करते हैं। अजमा, आपने क्या दबाव डाला था वहाँ पे, क्योंकि ये कह रहे हैं कि आप वहाँ पे थे, एहसन साहब भी थे, आप भी थी और वो अताउल्लाह तारड़ भी थे। बहुत शुक्रिया मलिक साहब, कमाल है। मतलब हम वहाँ पे निहत्ते बैठे हुए थे, हमसे बहुत मतलब ख़तरा था। अजद मल्ली साहब, मेरे पास फुटेज मौजूद है, अजद मल्ली साहब अपनी मौजूदगी में खड़े होकर अपने गार्ड से फायरिंग करा रहे हैं और वो मैंने ही मीडिया को जो है वो फुटेज भिजवाई थी और उसके अंदर जो कुछ नहीं, हम बैठे हुए थे। आप फुटेज दें, मैं अभी चलो आता हूँ। जो झूठ बोल दे उस पे खुदा की लानत हो। मुझे बात पूरी करने दे। आप हमारे वो प्रोड्यूसर को अभी वो फॉरवर्ड करें, फुटेज वैसी प्रोग्राम में चला। असद साहब, मैंने आपको सुन लिया ना, ये कोई तरीका नहीं है मलिक साहब, इनको तमीज सिखाइए। अगर ये आज आ गए हैं, मैंने तो कहा जो झूठ बोले उस पे खुदा की लानत था। इन्होंने जो, हाँ बिल्कुल, उस पे 100 दफा लानत जो झूठ बोले। अब आपने जो कहना था कह लिया, अब मेरा हक है, मुझे बात करने दे, वरना फिर मैं आपको बात करने नहीं दूंगी। ये दादागिरी यहाँ मत कीजिएगा। ये आपकी डेस्के में चली थी, यहाँ नहीं चलेगी मेरे सामने। सो मेरे सामने ये मत कीजिएगा, मैं सिर्फ रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपसे। हम वहां बैठे थे नतीजे लेने के लिए, जब वहां पर रिजल्ट आने बंद हो गए। ये हमारा हक था कि हम आरओ के दफ्तर में, चूंकि हमारे साथ 2018 में ये हो चुका है कि जब वो आने रिजल्ट्स बंद हो जाए ना, उसका कुछ मतलब होता है। यही खदशात लेकर हम आरओ साहब के दफ्तर में गए और मैं थ्रू आउट द टाइम खामोशी से कोने में बैठी जो है वो देख रही थी कि क्या हो रहा है। अभी ये आज असद मल्ली साहब जो है यहाँ पर बड़े शेर बन रहे हैं, वहाँ पे एक सेकंड के लिए असद मल्ली साहब ने हमारे बैठने पर कोई एतराज नहीं किया। इनके हमसे ज़्यादा इनके करिंदे भी मौजूद थे जो वहाँ पर बकायदा, और इन्होंने तो एक टाइम पर ढोल भी मंगा लिया कि आ जाओ आके जो है वो ब्लैकमेल करो रिटर्निंग अफसर को कि मैं जीत गया हूँ। और इनका बंदे उठा लेना जस्टिफाइड था, हमारा वहाँ बैठ जाना बहुत गलत था। ये मतलब बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। अब आ जाते हैं फॉर्म 45 के ऊपर। ये मौसूफ जो मर्जी कहते रहे, वो जो फॉर्म 45 हमें हमारे पोलिंग एजेंट्स ने भेजे थे, हमने वो जमा करा दिए। और आज रिटर्निंग अफसर की जो रिपोर्ट है उसके अंदर भी वो इस बात को एडमिट कर रहे हैं कि जो फॉर्म्स हमने जमा कराए और जो फॉर्म्स वहाँ से आए उनके अंदर सरीहन जो है वो फ़र्क मौजूद है। और मज़े की बात यह है कि जितने नालायक और नाहल अच्छा, है ना, वो तो फ़र्क नज़र आ रहा है, लेकिन एक सवाल का जवाब मैं आपसे भी जानना चाहूँगा ऑन एयर, बंदे गायब किसने किए? क्योंकि ये जो मरियम की ट्वीट्स हैं ये तो जाहिर कर रही हैं कि कोई एक बाकायदा सेट प्लान था, उसके तहत कुछ लोगों ने आए, बंदे उठाए, गायब करके ले गए, एक जगह जाके बिठाया। वो जगह कौन सी थी, किसने उठाए? ऐसी है, मैं बताती हूँ। अब मुझे सिर्फ गुजारिश करने दीजिएगा, ये बड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपके प्रोग्राम पे आज मुझे बताने हैं। और राणा सनाउल्लाह साहब भी बाय द वे इसके बारे में एक दफ़ा सरसरी सा जिक्र कर चुके हैं। इसमें यह है कि इनका प्रोग्राम और प्लान ये था कि डस्का सिटी जो मेन हब है PMLN के वोटर्स का, वहाँ पर पोलिंग बंद रखी जाए। ये अजद मल्ली साहब जरा पूछिए, ये डिग्री कॉलेज वुमेन जो डस्का है उसके अंदर उस्मान डार के साथ 3 घंटे पोलिंग स्टेशन में पोलिंग बंद करवा के अंदर क्या कर रहे थे, पहला सवाल। दूसरी बात यह, प्लान ये था कि डस्का में पोलिंग बंद रखी जाए और जो ये बाहर के स्पब्स के इलाके हैं पिंडों वाले, वहाँ पर ये प्रेजेंटिंग अफसर को उठाएंगे और उठाने के बाद ये मैनेज करेंगे। मेरा सिर्फ इलेक्शन कमीशन से मुतालबा ये है, फिरदौस आशिक अवान की सिर्फ मोबाइल लोकेशन निकाल ली जाए कि वो उस वक्त कहाँ थी, रात जो है वो शाम 7 बजे के बाद वो एक फॉर्म हाउस में मौजूद थी। कहाँ थी आप बताइए, इसकी मजीद डिटेल्स भी हम ले रहे हैं। वो किसी फॉर्म हाउस में मौजूद थी जी, एक फॉर्म हाउस में मौजूद थी। उसकी मजीद डिटेल्स हम इलेक्शन कमीशन के अंदर जमा कराएंगे। हमारे पास आ गई है, मजे की बात यह है कि खुद लोग दे रहे हैं। मुझे भी कल फोन आए एक दो लोगों के जिनको प्रिजाइडिंग ऑफिसर से आपस में क्या रब्ता है, कुछ समझाएंगे आप? क्योंकि मेरा तो सवाल आपसे ये था कि ये सब एक जगह पे मौजूद थे, किसने गायब किए जी? एक फॉर्म में दोबारा गुजारिश करती हूँ, अगर आपको मैं समझा नहीं सकी, फिरदौस आशिक अवान साहिबा एक जगह पर किसी फॉर्म हाउस पे प्रिजाइडिंग अफसर्स को लेके मौजूद थी और वहां पर ये रिजल्ट्स मैनेज हुए। और मजे की बात ये, किया क्या, सिर्फ जो फॉर्म 45 हमें मिले थे उसमें हर फॉर्म के साथ जो है वो 1000 बढ़ा दिया। अचानक से जो है वो 1000 इनका वोट बढ़ गया, हमारा 1000 वोट कम हो गया। सिर्फ 10 लगा के इन्होंने जो है वो मैनेज करने की कोशिश की। मैं इलेक्शन कमीशन से मुतालबा करूंगी, मेरी पार्टी बड़ी खबर चलाई थी, इनका इल्जाम है अगर इनके 2-3 लोग के बुखारी के फिरदौस आशिक अवान 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के साथ एक फॉर्म हाउस पे मौजूद थी और वहां पे रिजल्ट टेंपर किया गया, ये आपका इल्जाम है जी? बिल्कुल ऐसे ही है।
और फार्म हाउस का नाम बताएंगी? जी बताएंगे जी, इसमें मजीद डिटेल्स भी ला रहे हैं, कुछ फुटेजेस भी आ रही हैं हमारे पास, कुछ आने शुरू हो गई हैं और मजीद देखा जाए दिन में, वो भी आपको जो है वो बिल्कुल दिखाएंगे और बताएंगे कि कहां पर कैसे कैसे किसको ले जाया जाता रहा। और इनके एक प्रिजाइडिंग अफसर तो बेचारा सामने भी आ गया, जिसने धुंध में गुम होने से इनकार किया था, जिसने कहा मुझे स्पेशल ब्रांच वाले भी लेने आए थे और उन्होंने कहा कि चल के बैठो गाड़ी में और रिजल्ट जो है वहाँ लेके जाना है। हम आर ओ ने इनके सामने, मल्ली साहब सामने बैठे हैं, आर ओ के सामने जब वो आए ना जो लापता अफराद थे, उनसे पूछा कि आप क्यों नहीं थे, उन्होंने कहा गाड़ी का मसला थी ये था। आर ओ ने कहा मैंने हर एक प्रिजाइडिंग अफसर के लिए अलहदा अलहदा गाड़ी का इंतजाम किया हुआ था कि ये टाइमली पहुँच पाए, लेकिन वो टाइमली नहीं पहुँच पाए। और तो भी जैसा कि आप लोगों ने देखा कि उज़्मा बुखारी जो हैं वो बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाती हैं हर मामले में। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि आप किसी भी शो में उज़्मा बुखारी को उठा के देख लें, ये इसी तरह से बोलती हैं, ऊंचा ऊंचा बोलेंगी, क्योंकि इनके पास बेसिकली दलील ही कोई नहीं होती। जब इनके पास दलील नहीं होती ना, तो उसके बाद ये इस तरह की बातें करती हैं, बदतमीजी करती हैं। मतलब आप ये देखें कि मरियम नवाज ने कहा कि जी मेरे पास बड़े बड़ों की वीडियोस हैं। मतलब एक औरत साथ हो के ये बात करना, यानी इमरान खान ने ठीक ही कहा था कि एक तो ये पढ़े लिखे नहीं हैं, ऊपर से ये कोशिश भी नहीं करते। इसका मतलब क्या है कि मतलब गंदी वीडियोस, यानी कि वहाँ पे उसकी फैमिली भी है, उसके माँ तो नहीं है, बाप है, चाचा है, भाई है, सारे हैं। वो कह रही मेरे पास गंदी वीडियोज़ हैं। गंदी वीडियोज़ का मतलब कि इन्होंने देखी भी होंगी, और ये कह के तो दूसरों को ब्लैकमेल कर रही हैं। तो इस तरह से अब क्या कहते हैं ये जो उज़्मा बुखारी है, इनकी भी एक निकल आई। अब रियल या फेक ये बात की बात है, लेकिन निकल तो आई। तो आजकल तो कोई मसला ही नहीं है किसी की वीडियो बनाना या कुछ भी करना। तो व्यूअर्स, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? अपनी राय का जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।